सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादु पंकजम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम् संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुण मर्दनम देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं खिले न कोई फूल। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली महाराज की जय। देवियों सज्जनों माताओं और बहनों हमारे छत्तीसगढ़ से श्री जयेश पटेल जी के माध्यम से ये दूरदर्शन के माध्यम से आप लोग कार्यक्रम श्रवण करेंगे। नवधा भक्ति के ऊपर विचार करना है तो जब भक्ति की बात आती है तो लक्ष्मण जी ने राम जी से एक बार पूछा। क्या पूछा? एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मोहि समझाई कहाउ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। एक बार की बात, ये बात पंचवटी की है। प्रभु श्री राम
जनक नंदिनी सीता जी के साथ विराजमान है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज भैया बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है, तो इनसे कुछ पूछ लिया जाए। तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया आप समस्त चर और अचर के मालिक हैं, स्वामी हैं, आप मेरे भी मालिक हैं। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। प्रभु श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लक्ष्मण हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया मैं जानना चाहता हूं मोही समुझाई कहाउ सोई देवा, मोही समुझाई कहाउ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। सबसे पहले तो आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि मेरे मन को वैराग हो जाए, इस संसार से विरक्त होकर मैं आपके श्री चरणों की सेवा कर सकूं। फिर कहु ज्ञान विराग अरुमाया, कहु ज्ञान अरुमाया, कहु सुभगति करहु जेहि दाया, कहु सुभगति करहु जेहि दाया। फिर कुछ ज्ञान के बारे में बताइए, कुछ बैराग हो जाए, हो जाए, चर्चा कीजिए, कुछ बैराग का उपदेश दीजिए। और हे भगवान, कुछ भक्ति का उपदेश दीजिए जिससे बड़ी जल्दी आप जीवों पर दया कर देते हैं, ये जीव कृतार्थ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहा समझाई, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। फिर वो जीव, ये जीव क्या है और वो ब्रह्म क्या है, इनमें भेद क्या है, कृपा करके उसको समझाइए। प्रभु श्री राम जी कहने लगे, भैया बहुत ही थोड़े शब्दों में तुमसे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, ध्यान लगा करके सुनना। थोड़े ही मैं सब कहा बुझाई, सुनो तात मति मन चितलाई, मति माने बुद्धि, मन और चित्त माने ध्यान, तीनों चीजें एकाग्र करके सुनना। अगर एक भी चीज इधर उधर हो गई तो बात समझ में नहीं आएगी। अरे ये माया जिसके बारे में तुमने पूछा, ये बड़ी प्रबल है, ऋषियों मुनियों देवताओं को भी मोहित कर देती है। विद्यमान और अविद्यमान दो तरह की माया है, एक जो संसार में दिखाई देती है वो माया है, और एक जो दिखाई नहीं देती है, ब्रह्मांडों की रचना करती है, वो माया है। ज्ञान ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। और सच्चा ज्ञान क्या है? अपने आप को अभिमान से रहित कर देना और समस्त चर अचर में कणकण में उस ब्रह्म का साक्षात्कार करना, परमात्मा का साक्षात्कार करना, ये ज्ञान है। और भैया बैराग कहिए तात सो परम विरागी, तरण समसिद्धि तीन गुण त्यागी। अरे बैरागी तो सच्चा वही है जो रिद्धियों सिद्धियों को तिनके के समान समझने वाला है, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से जो रहित है, परे है, वो बैरागी है। माया ईशन आप कहूं जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो बंधन और मोक्ष को देने वाला है, सर्व पर सबके ऊपर शासन करने वाला है, वो ब्रह्म है।
और जो न मेरे को जानता है, न अपने को जानता है, न मेरी माया के बारे में जानता है, वो जीव है। और भैया मैं भाई जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। और जिस समय बहुत जल्दी द्रवित हो जाता हूँ, दया कर देता हूँ, वो मेरी भक्ति है। तो सुनो, सो स्वतंत्र अवलंबनयाना, तेही आधीन ज्ञान विज्ञाना, तेही आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलही जो संत होई अनुकूला, मिलही जो संत होई अनुकूला। भक्ति, अब तुम भैया मेरी भक्ति के बारे में सुनो, जिससे मैं बड़े जल्दी जीवों पर दया कर देता हूँ। वो भक्ति सभी सुखों की अनुपमीय मूल यानी जड़ है। मूला के दो अर्थ होते हैं, एक मूला, मूला माने मेन भाग। कक्षा छह में सरसों के पौधे की बनावट पढ़ी होगी, तो क्या पढ़ा गया था? जड़, मूल, शाखा, पत्ती, फूल, फल। मूला माने मेन भाग, जिसमें सब सुख लगते हैं। वैसे तो सुखों का वर्णन करने लगेंगे तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो, पहला सुख हो सुंदर और निरोगी काया, दूजा सुख हो पास में माया, तीजा सुख हो सुंदर नारी, पुरुषों के लिए, माताओं बहनों के लिए सुंदर पति। ये सूरत शकल से भले न सुंदर हो, इनके आपस में विचार सुंदर हो, कर्म सुंदर हो। तो चौथा सुख हो पुत्रागारी, पांचवा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। ये पांच सुख बड़े महत्वपूर्ण बताए गए। पुत्र राम जैसा हो, कृष्ण जैसा हो, धुंधकारी जैसा ना हो, कंस जैसा ना हो, ये सुख सब भक्ति में ही लगा करते हैं। देवियों सज्जनों, जब हम भक्ति से दूर हट जाते हैं तो तरह तरह की परेशानियों से घिर जाते हैं। भक्ति ही सभी सुखों की अनुपमीय जड़ है, मूल है। और ये कब मिलती है? जब संत महान पुरुष अनुकूल होते हैं। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्ति के साधनों का वर्णन कर रहा हूं। भक्ति के साधन कहाँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। सबसे पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए? अगर भक्ति की प्राप्ति करना है तो पहली भक्ति क्या है? मन, कर्म और वाणी से ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम करना। फिर निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। श्रुति नाम है वेदों का। वेदों की मर्यादा का पालन करते हुए, वेदों की मर्यादा का पालन करते हुए अपने अपने कर्मों से बैराग लेना है, बैराग लेना है ना, अपने अपने कर्मों से बैराग लेना, अपने अपने कर्मों से बैराग लेना है। और फिर इसका परिणाम क्या होगा? यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। इसका एक फल होगा, क्या फल होगा? कि आपको विषयों से बैराग मिल जाएगा, विषयों से बैराग मिल जाएगा।
विषयों से बैराग होना कठिन विषय है, लेकिन विषयों से बैराग हो जाएगा। और तब मम धर्म उपज अनुरागा, भगवान के धर्म से आपको प्रेम हो जाएगा, भागवत धर्म से आपको प्रेम हो जाएगा। भागवत धर्म क्या है, इसका व्याख्यान जो है नव योगीश्वरों के संवाद में आया है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही, श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। मनुष्य को चाहिए कि वो मेरी नौ प्रकार भक्ति भक्ति को श्रवण करे और अपने हृदय में धारण करे। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, दृढ़ाई का मतलब अपने हृदय में मजबूती के साथ धारण करे, स्मरण रखे, याद रखे। ये नहीं पढ़ लिया सुन लिया और भूल गए, नहीं। और मम लीला रति अति मनमाही, भगवान की लीलाओं से थोड़ा प्रेम भी रखे। फिर दूसरी बात क्या करे, संतों के चरणों से अति प्रेम करे। देखो विप्र चरण पंकज अति प्रेमा लिखा है, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। ब्राह्मणों के चरणों से तो प्रेम करे ही करे, लेकिन संत चरण पंकज अति प्रेमा। हमारे सनातन धर्म के संरक्षण के दो पद हैं, दो चरण हैं। जिस तरह से आपके शरीर को रोकने के लिए दो चरण हैं, उसी तरह से दो चरण हैं, एक ब्राह्मण और दूसरे संत। यदि एक भी चरण कमजोर होगा तो बात बिगड़ जाएगी। हमें जीवात्मा का कल्याण अगर करना है तो हमें संतों से भी प्रेम करना होगा, ब्राह्मणों से भी प्रेम करना होगा। फिर मन कर्म और वाणी से भजन करने का एक नियम बनाना होगा। भजन तो तरह तरह का होता है, हैं? एक भजन होता है जैसे महान पुरुष लोग गाते हैं, मीरा जी के भजन, सूरदास जी के भजन, कबीर साहब के भजन। और एक भजन होता है जो माला लेकर के संत महान पुरुष करते हैं, आंखें बंद करके भजन करते हैं, परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। भगवान कहते हैं गुरु पितुमात बंधु पति देवा, सब मोहितः जाने दृढ़ सेवा। यानी माता पिता बंधु भाई पति सभी को मेरे को मान लो। माता पिता बंधु भाई सब कुछ भगवान को मानने का मतलब है कि माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, सब में उन ब्रह्म का साक्षात्कार करना, उस परमात्मा का साक्षात्कार करना। नवधा भक्ति की बात आती है, जब नवधा भक्ति की बात आती है तो एक संस्कृत में श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम भगवान की कथा सुनो, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करो, विष्णु स्मरणम भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। गीता जी के छठे अध्याय में भगवान के ध्यान की कथा ही है, उसको पढ़ लो और उसी हिसाब से ध्यान करो। हैं? वो उसमें आया है ना भाई, विष्णु स्मरण भगवान का स्मरण कैसे करें, तो सुतौ देशे प्रतिष्ठा स्थिर मासन मात्मना नात सुत्यम नात नीतम चैला जिन को सोच करो। शुद्ध भूमि हो, उसके ऊपर बढ़िया आसन लगा हो, जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, हैं? और उस पर बैठ कर तत्रैकाग्र मनः कृत्वा यत्चित्तेन्द्रिय क्रिया, उस पर बैठ करके इस चंचल मन को स्थिर करे। संपेच्छ नासकाग्रम त्वं दिशत्तान्नवलोकयन्, है ना, समम काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः
स्थिर संप्रेक्षणाचकाग्रम स्वं दिशस्तान्नव लोकयन। ये भगवान के विषयों के स्मरण करने की विधि है। श्रवणम कीर्तनम विषयों स्मरणम पाद सेवनम, पाद पद का बिगड़ा हुआ शब्द है, पाद माने भगवान के चरणों की सेवा। अर्चनम भगवान की पूजा करना, अर्चन का मतलब होता है भगवान की पूजा करना। वंदनम सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से भगवान की वंदना करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से, स्तोत्रों के माध्यम से वंदना करो, भगवान की वंदना करो। दास्यम अपने आप को भगवान का सेवक मानना, भगवान को अपना मालिक मानना। सख्यम भगवान को अपना सखा मानना, सखा माने मित्र, क्योंकि एक मित्र से कोई बात कहने में कभी कोई संकोच नहीं होता है, और किसी से कुछ कहो तो संकोच लगता है, इसलिए भगवान को अपना मित्र मानो। वैसे वो परमात्मा तो अंतर्यामी है, आपके हृदय में रहने वाला है, आपकी एक एक बात को जानने वाला है, लेकिन फिर भी अपने हृदय की बात को, अपने दिल की बात को उस परम ब्रह्म परमात्मा से शेयर करो, कहो उससे। आत्मनिवेदनम, ये नव भक्ति का एक श्लोक है। जब भक्ति की बात आती है तो जब प्रभु राम सीता जी की खोज करते करते सेवरी के वहां पहुंचे तो उस समय सेवरी आ गई, जल्दी बल्दी दौड़ करके आई। सेवरी का प्रसंग रामायण में बड़ा विस्तार से लिखा। सेवरी मतंग मुनि की शिष्या थी। मतंग मुनि कह गए थे कि तेरी साधना में अगर शक्ति है तो भगवान यहीं आकर के तुझे दर्शन देगा। तब से लेके सेवरी रोज रास्ता साफ करके और उस पर फूल बिछाती। प्रभु श्री राम सेवरी को दर्शन दिए, जल्दी बल्दी जल ला करके चरण पखारा, चरण धोए, फिर कंदमूल फल सुरस्यति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। यहां पर एक शिक्षा मिलती है कि राम जी राजाओं महाराजाओं के राजकुमार, महलों में रहने वाले, दूध मलाई रबड़ी खाने वाले, उनको फलों में क्या स्वाद आ रहा था, लेकिन फिर भी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रेम के साथ भगवान ने फल खाए, बार बार कहते हैं, जो फल उठाते हैं कहते हैं ये तो उससे भी सुंदर है, ये तो उससे भी सुंदर है, ये तो उससे भी स्वादिष्ट है। अभी हम घर में भोजन पाने बैठे, जरा सा नमक कम हो जाए झगड़ा कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है, अन्नपूर्णा माता रूठ जाती है। कोई भी चीज की कमी है तो मांग लो कि भाई थोड़ा राम रस दे देना, नमक दे देना, थोड़ा मिर्चा दे देना, लेकिन बात बात पर भोजन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सेवरी बड़ा विभल हो गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, कहने लगी महाराज मैं तो अधम जाति की हूँ, अधम स्त्री को तो वैसे भी अधम कहा गया है, मैं कैसे आपकी स्तुति करूंगी, मेरी तो समझ में नहीं आता है मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान राम ने एक बात कही, सेवरी वैसे तो ये संसार मेरा बनाया हुआ है, मुझे प्रिय है, लेकिन एक बात तू ध्यान से सुन ले। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, मानव एक भगति कर नाता,
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहै कैसा, जल बिनु बारिदि देखिय जैसा, जल बिनु बारिदि देखिय जैसा। भामिनी शब्द जो है वो सुंदरता का प्रतीक है। देखिए सुंदर बन के तो सूपनखा भी गई थी, रुचिर रूप धरि प्रभु कहीं जाई, लेकिन भगवान ने उसकी तरफ नहीं देखा। वहां की चौपाई है, सीतहि चितहि कहि प्रभु बाता। देखा सीता जी की तरफ, लेकिन बात सूपनखा से। सीता कौन है? भक्ति का अवतार है, भक्ति स्वरूपा है। भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्ति की ओर देखते हैं। शिवरी से कहते हैं, मैं सिर्फ भक्ति को मानता हूं, वही मेरा नातेदार है, रिश्तेदार है, जो मेरी भक्ति करता है। इंसान चाहे जितना ऊंची जाति में हो जाए, चाहे जितने ऊंचे कुल में हो जाए, चाहे कितना धर्मवान हो जाए, चाहे कितना बलवान हो जाए, लेकिन बगैर भक्ति वो कैसे शोभा देता है? जैसे जल हो, बादल हो, और उनमें जल न हो तो वो सफेद सफेद बादल अच्छे नहीं लगे। वही उनमें थोड़ा जल हो तो सांवले भगवान के रंग के हो जाते हैं। भगवान का रंग भी सांवला, बादलों का रंग भी सांवला। तो इसलिए भगवान कहते हैं शिवरी, नवधा भगति कहाँ तो ही पाही, नवधा भगति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म न माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी राति मम कथा प्रसंगा। हे शबरी, हम तुमसे 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। पहली भक्ति है संतों का साथ करो, सत्संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, जब संतों का संग होगा तो सत्संग होगा। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, संतों का साथ हमें मोक्ष गति को देने वाला है, और कामी पुरुषों का साथ हमें जीवन मरण के चक्कर में डालने वाला है। इसलिए कभी भी कामी पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, हमेशा संतों का संग करना चाहिए। भाइयों बहनों, 5 बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन के दुखों को समूल नष्ट कर देती हैं। वशस्य पुत्रो अर्थकारी च विद्या, इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च, अरोगिता सज्जन संगतिष्ठ दुखस्य मूलो धरणानिपन्न। ये 5 बातें हमारे दुखों को समूल नष्ट कर देती हैं। कौन कौन सी? वशस्य पुत्रो, आज्ञाकारी बेटा, धन देने वाली विद्या, पत्नी कहना मानने वाली, इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च, काया का निरोग होना, अरोगिता, और सज्जन संगतिष्ठ साधु पुरुष का संग, दुखस्य मूलो धरणानिपन्न। ये 5 बातें हमारे जीवन के दुखों को समूल नष्ट कर देती हैं। यहां पर भगवान कहते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा। अरे हमें संतों का साथ करना चाहिए, जब भी जीवन में समय मिले। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को उठा करके देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा भी, प्रत्येक गृहस्थ का ये धर्म बनता है कि वो अपने जीवन में थोड़े से थोड़ा समय निकाले और किसी आश्रम में जाकर के, किसी तीर्थ स्थान में जाकर के संतों का सानिध्य प्राप्त करे। मनु सतरूपा जी आए नैमिषारण्य में साधना करने, अगर वो चाहते तो अपने महल में कर लेते तो उन्हें क्या कोई रोक लेता, लेकिन नहीं, वो नैमिषारण्य में साधना किए। शंकर भगवान कौन है? गृहस्थी हैं, उनके माँ भवानी हैं, बेटा है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं। कहाँ गए? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ दृश पाए। प्रभु श्री राम जी वन आए, वनवास आए, लीला क्यों किया? संतों के लिए किया।
क्यों भगवान का अवतार क्यों हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसीलिए जब भगवान का राज्याभिषेक होने लगा तो उन्होंने कहा मुझे राज्याभिषेक नहीं, मुझे पहले तो मुझे अपने संतों के दर्शन करने जाना है। आज वही कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो संतों का साथ करे, हमारी कथाओं से लीलाओं से प्रेम करे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगत भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति गुरु महाराज के चरणों की सेवा, पांचवी भक्ति, चौथी भक्ति हमारे गुण समूहों का गान करना, जो भी खाली समय हो भगवान की कथा आपस में एक दूसरे से कहना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा कहने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सुनने से भी। इसलिए जो भी खाली समय हो उसमें भगवान की चर्चा करना चाहिए। आजकल तो टीवी में तरह तरह के कार्यक्रम आने लगे हैं, कुछ न कुछ चलता रहता है खाली टाइम में। अरे बच्चों को बढ़िया बिठाओ, रामायण की कथा सुनाओ, गीता की कथा सुनाओ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, मोते अधिक संत करि लेखा। फिर पांचवी भक्ति कहते हैं भजन करो, वो भजन वेद जिसपे प्रकाश डालते, जाप करो, मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो, नाम का जाप करो। छठी भक्ति इंद्रियों को दमित कर देना, इंद्रियों को बस में करना और बात है, लेकिन इंद्रियों को दमित करना और बात है। इंद्रियों को दमित करो यानी वो तुम उनकी तरफ ध्यान न दो फिर भी वो कहीं न जाए, और नित्य निरंतर भगवान का भजन करना। सातवीं भक्ति संसार को मेरा ही स्वरूप देखे और मोते अधिक संत कर लेता, कहीं संत मिल जाए तो मान लो भगवान से भी बड़े भगवान मिल गए। मोते अधिक संत का मतलब क्या हुआ? मोते अधिक संत का मतलब है यानी अगर भगवान से भी ज्यादा संतों को मानो, ये मतलब। और फिर आठवीं भक्ति जथा लाभ संतोष, संतोषम परमम सुखम। असंतुष्ट आदमी कभी सुखी नहीं होता और वो जीवन मरण के चक्कर में फंसता ही फंसता है। कहा को दरिद्र से विशाल तृष्णा, दरिद्र कौन है? जिसके अंदर तृष्णाएं भरी हुई है, जिसके अंदर आशाएं भरी हुई, वो दरिद्र। कभी भी दरिद्र बन के नहीं जीना, क्योंकि रामायण में लिखा है नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। पूछा था पंचिराज गरुड़ ने सुख क्या है दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है सबसे बड़ा दुख क्या है, तो बताया था संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। को दरिद्र से विशाल तृष्णा, जिसके अंदर तृष्णाएं भरी हैं आशाएं भरी हैं वो दरिद्र है। कभी भी दरिद्र बन के नहीं जीना चाहिए, हमेशा संतुष्टि पूर्वक जीवन। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा, दूसरे के दोष देखने का आपको कोई अधिकार नहीं। लोग कहेंगे वो उनके अंदर वो अवगुण है, वो उनको वो अपयश लग गया है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार, जब हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये छह बातें भगवान ने अपने ही हाथ में रखी हैं, मनुष्य का कोई दोष नहीं। आप किसी के दोष मत देखो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहे पै परिहरि बार विकार। देवियों सज्जनों
नवम सरल सब सन छल ही ना, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नवी भक्ति क्या है? सरल बन जाओ। भक्ति में और कुछ करना ही नहीं है। भक्ति की कथा रामायण में 3 जगह आई है। अरण्य कांड में भक्ति की कथा है, शिवरी को उपदेश दिया है भक्ति की, भक्ति का लक्ष्मण को भक्ति की कथा सुनाई है, और उत्तर कांड में राम जी प्रजावासियों को भी भक्ति का उपदेश देते हैं। वहां पर तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जहां पर लोक यहां सुख चाहो सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहाओ सुलभ सुखद मार गया भाई भगत मोरी पुराण श्रुति गाई। अगर इस लोक में और परलोक में, जो परलोक यहां सुख चाहो तो मेरे वचनों को सुनो, हृदय में धारण करो, हमारी भक्ति का वरण करो, तो लोग कहने लगे ज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि गीता जी में लिखा है न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं। कहा संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। तो राम जी कहने लगे हाँ ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान थोड़ा कठिन विषय है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु तेका, करत कष्ट बहु पावे को भगत हीन मोहि प्रिय नहीं। अगर किसी ने कष्ट करके ज्ञान का अर्जन कर भी लिया और वो भक्ति नहीं करता है तो मुझको प्रिय नहीं। तो कहा फिर महाराज क्या करें कि भक्ति हो जाए? भगवान कहने लगे कुछ मत कहो करो। कहा अपने आप को सरल कर दो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। देवियों सज्जनों भक्ति का प्रसंग रखा गया, हमें सीमा लगभग पूरी हो गई है।